कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रदेश अध्यक्ष 2018 की जीत से लेकर 2023 की रणनीति के बारे में क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा से जब इस प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट को लेकर और 2018 से 23 के बीच के बारे में रणनीति को लेकर बातचीत की गई, सवाल किए गए तो क्या कुछ खास रहा जरा सुन। अब चुनाव की बयार शुरू हो चुकी है और फर्स्ट इंडिया ने चुनाव का शंखनाद कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में संगठन कांग्रेस का चुनावी समर में उतरेगा, किस तरह की तैयारी है डोटासरा जी? सबसे पहला सवाल यही, फौज आपकी तैयार हो चुकी है? देखिए, हमने बूथ की कार्यकारिणी से लेकर के और प्रदेश की कार्यकारिणी पूरी बना ली है। जल्दी हम जो बूथ से के प्रेसिडेंट और मंडल के और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, इन सब का एक बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे। कार्यकारिणी हमारी जो जिला अध्यक्ष नए बने हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जो नए बने हैं, उनकी कार्यकारिणी तकरीबन तैयार होगी, एक दो दिन में हो जाएगी। हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम जो उपाध्यक्ष हैं उनको संभाग का प्रभारी बनाया है और महामंत्री हैं उनको जिलों का बनाया, और आज हम लोग एक सूची और जारी करेंगे जिसमें सेक्रेटरीज को हम लोग एक विधानसभा भी दे सकते हैं और दो तीन विधानसभा भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम कार्य विभाजन कर रहे हैं। ये तत्काल कल से ही अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ पर जो संगठन के लोग हैं उनकी मीटिंग बुलाएंगे, और मीटिंग बुलाने के बाद में हम 9 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब को हमने आमंत्रित किया है वहाँ पर आने के लिए, आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर आदिवासी भाइयों के बीच में, और इसी दौरान हम लोग आगे का हमारा प्लान जो है वो हम घोषित करके पूरे संगठन को और सत्ता में बैठे तमाम लोगों को हम सक्रिय कर देंगे। और हमारे पास में बहुत सी ऐसी फ्लेक्सिब योजनाएँ हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है, जो जनता को बहुत जो है मदद देने वाली हैं, और जो हमारे एक्ट आ रहे हैं, चाहे राइट टू हेल्थ का एक्ट हमने लेके आए आज, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी का जो योजना हम लेकर के आए हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि न्याय योजना आएगी, तो मैं समझता हूं कि वो केंद्र में अगर हम सत्ता में होते तो वो आ जाती। और सवाल ये उठता है कि योजनाएँ घोषणाएँ ये क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी? 100% देखिए, जनता को राहत महसूस मिल रही है। आप बताइए, जिसकी गाय लंपी में मर गई उसको 40,000 रुपये सरकार दे रही है जो आज तक किसी ने नहीं दिए। 14,000 करोड़ का ऋण माफ कर दिया, किसान का 5 लाख भी लोन था स्टेट कोऑपरेटिव का, तो वो पूरा का पूरा माफ हो गया, तो उसको आज तक जो फायदा नहीं मिला। या तो यूपीए सरकार के समय 72,000 करोड़ रुपए सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने दिए थे, या दोबारा फिर हमारी स्टेट ने दिए हैं, अन्य स्टेट ने भी दिए होंगे, लेकिन राजस्थान में 2,000 करोड़ रुपए दे पाई थी वसुंधरा जी, जो हम लोग 14,000 करोड़ रुपये दे दिया है हमने। और जो गारंटी हम लोग दे रहे हैं, खाने की गारंटी हो, इंदिरा रसोई का हमारा जो योजना हो, चाहे हमारी दूसरी जो स्वास्थ्य की योजना हो, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, 10 लाख की बीमा है स्वास्थ्य की, पेंशन है बुजुर्गों को, ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम 6,000 रुपये किसान को दे रहे हैं, हम तो 12,000 रुपये दे रहे हैं भाई पेंशन के रूप में, 12 महीने में 12 दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं। ये ब्रांडिंग कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, ये मन की बात कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं, तो फ़र्क है और लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक बड़ी बात यह है, आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं राजस्थान प्रांत के, ये वो पार्टी जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, 1952 से लेकर और आज तक अनेकों बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे ज़्यादा समय तक मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। पिछले 30 साल की हम बात करें तो एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी। डोटासरा जी, बड़ी चुनौती है आपके सामने, चुनौती अशोक गहलोत के सामने भी है कि वो भी इस दाग को धोना चाहते हैं क्योंकि तीसरी सरकार उन्हीं की है, और एक संकट काल से निकला गोविंद सिंह डोटासरा शेखावाटी का नेता, उसके सामने भी चुनौती। देखिए, निश्चित रूप से जो राजनीतिक पार्टी में जो लोग काम करते हैं उनको हमेशा ही सजग रहना चाहिए, उनको हर दिन चुनौती का दिन मान करके काम करना चाहिए।
तो हम वो काम कर रहे हैं और हमने काम किया 4.5 साल संगठन और सत्ता ने शानदार काम किया है, इसीलिए हमें पूरा विश्वास है और जनता की आवाज़ आने लग गई है। वरना 1.5-2 साल बाद में आवाज़ आती है, नहीं नहीं साहब ये नहीं हुआ, ये करेंगे वो करेंगे, तो आज जनता की आवाज़ आ रही है कि भाई कुछ भी कहो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और संगठन और सत्ता में समन्वय है और जो राहुल गांधी जी ने करके दिखा दिया वो देश की दुनिया में किसी नेता ने नहीं करके दिखाया। तो खड़गे साहब ने बनने के बाद में जो लोगों में, गरीब लोगों में, SC ST में, माइनॉरिटी में और जो पिछड़ी छोटी जाति के लोग हैं, जो उन छोटे ग्रुपों के लोग हैं, उनमें बहुत एक आस जगी है कि हमारा कोई सुनने वाला जो है वो है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें देख करके आज जनता पूरी तरीके से ये कह रही है कि भाई कांग्रेस में तो अब सरकार कांग्रेस की बनेगी। और भाजपा में 25 में से 25 सांसद देने के बाद में जब फूटी कोड़ी का काम नहीं किया तो उनको वोट क्यों देंगे? ये आपस में लड़ने में ही नहीं इनको नंबर आ रहा है, उसमें ही समय खराब कर रहे हैं ये लोग बाग। अभी जो इनके महामंत्री संगठन आए थे वो कौन से हैं? हैं नहीं नहीं अरुण सिंह से ऊपर, नहीं नहीं उससे ऊपर, नहीं नहीं उससे भी ऊपर है ना वो, अरे JP नड्डा जी के नीचे है ना वो, BL संतोष जी। वो ये कह रहे थे कि तुम लड़ने में ही तुमको फुर्सत नहीं है, काहे की मजबूत है यहाँ BJP, मैं तो दुखी हो गया आकर के। तो जो स्थितियाँ बनी हुई हैं इनमें, और राजेंद्र जी राठौड़ ने हाईजैक कर लिया पूरी BJP को। और आप देखिए कि आज तो आपके पार्टी के सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा को भी हाईजैक कर, देखिए जो जो बातें आ रही हैं वो अगर सही हैं तो बहुत चिंता वाली बात है कि जिस तरीके से उन्होंने जो साजिश रची है अगर ये साबित होती है तो ये बहुत गंभीर बात है, पूरी ध्यान रखा जाए। क्योंकि आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष होता है वो विधानसभा में बोलता है, आज तक हमने तो बाहर विधानसभा चल रही है तो बाहर बोलते नहीं देखा, और जो संगठन का मुखिया होता है वो बोलता है, ये तो खुद ही बोल रहे हैं।